हेलो फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको एक रूल कराया था, हैज टू हैव टू। हैज टू हैव टू का मतलब पढ़ता है या ना है। जैसे सचिन को घर जाना पड़ता है, सचिन हैज टू गो टू होम। मुझे पानी पीना है, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। तुम्हें सोचना है, यू हैव टू थिंक। तुम्हें सोचना पड़ता है, यू हैव टू थिंक। सीता को सोना है, सीता हैज टू स्लीप। सीता को सोना पड़ता है, सीता हैज टू स्लीप। ये रूल मैं आपको पहले करा चुका हूँ। आज इस रूल का नेगेटिव मैं आपको कराने जा रहा हूँ, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम डू या डज लिखेंगे, डू या डज, उसके बाद नॉट लिखेंगे और उसके बाद हैव टू लिखेंगे। केवल हैव टू, हैज टू बिल्कुल नहीं, हैव टू लिखेंगे और हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जहां तक बात डू या डज की है तो आई यू वी दे के साथ डू लगाएंगे, आई यू वी दे के साथ डू लगाएंगे और ही शी इट और नेम के साथ डज लगाएंगे। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे घर नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो टू होम, आई डू नॉट हैव टू गो टू होम। तुम्हें नहीं हंसना है, यू डू नॉट हैव टू लाफ, यू डू नॉट हैव टू लाफ। सीता को नहीं रोना है, सीता डज नॉट हैव टू वीप, सीता डज नॉट हैव टू वीप। और इनका इंटरोगेटिव भी आप बना सकते हैं, क्या सीता को हंसना है, डज सीता हैव टू लाफ, डज सीता हैव टू लाफ। सीता को क्यों हंसना है, व्हाई डज सीता हैव टू लाफ, व्हाई डज सीता हैव टू लाफ। अब प्रैक्टिस करेंगे उन रूल्स की जो हम अभी तक कर चुके हैं, थोड़ी देर के लिए। फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, फॉर अ शॉर्ट व्हाइल वह सोचता रहा, ही केप्ट ऑन थिंकिंग, ही केप्ट ऑन थिंकिंग। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, मैं हिंदी बोलूंगा, आप उसकी इंग्लिश बोलिए, फिर मैं इंग्लिश बोल के बताऊंगा कि आपने जो इंग्लिश बोली है वो सही है या गलत। मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। कार चलाने की बजाय, Instead of driving car, मैं बाइक चलाता रहता हूँ, I keep on driving bike, इसी बीच, In the meantime, वे कहने लगे, They began to say, मुर्गा खाने के बावजूद, Despite eating chicken, बच्चों को अंडे खाने की जरूरत है, Children need to eat eggs, फिर भी, even then, तुम दौड़ नहीं पा रहे थे, you were not able to run, इसलिए, that is why, तुमसे बातें करने के अलावा, besides talking to you, हमें सचिन से बातें करनी चाहिए थी, we should have talked to Sachin, इसी कारण, It is for this reason, वह हमें गाली दे सकता था, He could have abused us, पहली बात तो यह है, In the first place, जब तक सचिन क्रिकेट ना खेले, Unless Sachin plays cricket, मुझे हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, I should not play hockey, दूसरी बात यह है, Secondly, उसे लौटना पड़ेगा, He will have to return, वैसे भी, Otherwise also, तुम पानी पी सकते हो, You can drink water, बशर्ते कि रमेश पानी लाए, Provided that Ramesh brings water, एक और, On the one hand, सीता खाना लाने वाली है, Sita is about to bring food. दूसरी ओर, On the other hand, खाना लाने के विचार से, With a view to bringing food. With a view to bringing food.
सीता होटल जाया करती थी। सीता यूज्ड टू गो टू होटल। खैर एनीवे होटल जाना तो दूर की बात है। नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू होटल। आज सीता घर पर खाना ना बना सकी। Today Sita could not cook food at home. आए दिन day in and day out यदि तुम गीत गाते। If you had sung a song हम नाचते। We would have danced उसकी लंबाई को ध्यान में रखते हुए। Keeping in view his height उससे उम्मीद की जाती है कि वह आर्मी ज्वाइन कर ले। He is supposed to join army. सोहन की शादी के उपलक्ष्य में। On occasion of Sohan's marriage, हमें बुलाया जाना चाहिए। We should be called. जहाँ तक उनका सवाल है। As far as they are concerned, चाहे जो हो जाए। Come what may, उन्हें पहुँचना पड़ता है। They have to reach. दिन दहाड़े। Broad daylight. सोनिया का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना है। Sonia is aimed at teaching children. जब तक सचिन यहाँ था। As long as Sachin was here. कम से कम. At least. उसे गाली नहीं दी जानी चाहिए थी। He should not have been abused. रुक कर. By fits and starts. मुझे देखना पड़ा। I had to see. ज्यादा से ज्यादा। At the most. तुम्हारी पिटाई की जा सकती है। You can be beaten. बारिश के कारण। Due to rain. उसे यहीं ठहरना पड़ सकता है। He may have to stay here. तुम्हारे सामने। Before you. संदेश भेजा जा सकता था। Message could have been sent. तुम खाना खा रहे हो। You are eating food. वे नहीं सो रहे थे। They were not sleeping. क्या मैं पढ़ रहा हूँ? Am I reading? तुम क्या सोच रहे थे? What were you thinking? बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे। Children will be smiling. बच्चे कहाँ मुस्कुरा रहे होंगे? Where will children be smiling? उसे बुलाया गया है। He has been called. तुम्हें नहीं डांटा गया था। You had not been scolded. क्या रमेश को धमकी दी गई है? Has Ramesh been threatened? मेरी पिटाई क्यों की गई थी? Why had I been beaten? उसे देखा जा चुका होगा। He will have been seen. क्या उसे देखा जा चुका होगा? Will he have been seen? पेन खरीदा जाता है। Pen is purchased. पुस्तक नहीं बेची गई। Book was not sold. क्या पुस्तक लाई गई? Was book brought. पेन क्यों तोड़ा गया? Why was pen broken? कपड़े धोए जाएंगे। Clothes will be washed. कपड़े कब धोए जाएंगे? When will clothes be washed? खाना बनाया जा रहा है। Food is being cooked. पत्र नहीं लिखा जा रहा था। Letter was not being written. क्या संदेश भेजा जा रहा है? Is message being sent? पतंग क्यों उड़ाई जा रही थी? Why was kite being flown? वह पहुंच गया है। He has reached. मैं नहीं पहुंचा था। I had not reached. क्या सचिन नहा लिया है? Had Sachin bathed? वे कब लौटे थे? When had they returned? वे समझ चुके होंगे। They will have understood. वे कब समझ चुके होंगे? When will they have understood? बाइक चलाई जाती है। Bike is driven. मुझे नहीं पढ़ाया गया। I was not taught. क्या फूल तोड़ा गया? Was flower plucked? Was flower plucked?
दूध क्यों पिया जाता है? Why is milk drunk? Why is milk drunk? अंडे उबाले जाएंगे. Eggs will be boiled. Eggs will be boiled. अंडे कहाँ उबाले जाएंगे? Where will eggs be boiled? Where will eggs be boiled? सुबह से वह उछल रहा है. He has been jumping since morning. He has been jumping since morning. चार घंटे से मैं यह कार्य कर रहा था. I had been doing this work for 4 hours. I had been doing this work for 4 hours. This is the end of this class. Tomorrow, I'll come before you with the next class. Till then, I take bye from you. Please be happy. You're on Advocate Sunil Kumar.